हाँ, अब देखो वो तीसरा पार्ट, ठीक है। और ये जो तीसरा पार्ट है, हर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और ये इतना प्यारा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब जो सरकारी नौकरी के एग्जाम होते हैं, उनमें ही पूछा जाता है, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। और ये ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8th में ही पढ़ा होगा, 7th 9th में पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस इसको समझना है जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सर्कल पहले ही बना दिया है ताकि एक एक इक्वेशन अपनी बनी हुई है। पहली इक्वेशन का तो सबको पता चल जाएगा, सेकंड इक्वेशन मुश्किल बनती है। इसमें क्वेश्चन पढ़ो कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। यानी कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, ये ट्वाइस है, ठीक है। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। पहली बात तो ये कि टू डिजिट की जब भी बात आती है, हम मतलब दो अंकों की संख्या की जब भी बात आती है, तो दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और जाती कहाँ तक है, 99 तक बस। लेकिन जब भी दो अंकों की संख्या की बात हो, टू डिजिट की संख्या की बात हो, आपको हमेशा 10 को, 10 से स्टार्ट करना है, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू उसको लेके चलना है। वैसे ही एक अंक की संख्या 1 से लेके 9 तक होती है, जिसमें एक अंक को 1 डिजिट हो। अगर इसमें इकाई की बात करें, 1 डिजिट की बात करें, तो 1 लिया जाता है, और नीचे वाले में 2 डिजिट में 10 लिया जाता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दो डिजिट की संख्या अगर बनती है, जैसे 10 है, तो ये इकाई और ये दहाई, मतलब वंस और टेंस ऐसे पढ़ते हैं अपन। क्या आपको पता है कि वंस कितना, टेंस कितना? नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपन को मान के चलना है, ठीक है। मान के चलना का मतलब कि लेट द वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट नंबर वो है सपोज एक्स, माना इकाई अंक हो गया एक्स। ऐसे अपन मान लेते हैं दहाई अंक, लेट द टू डिजिट, सॉरी टेंस डिजिट, ठीक है, टेंस डिजिट वो हो जाएगा वाई, माना दहाई अंक। तो इकाई अंक और दहाई अंक अपन एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। तो इस एक्स और वाई से जो बनेगी संख्या वो क्या बनेगी, नंबर। देखते हैं वो क्या नंबर बनेगा, नंबर का मतलब संख्या। बात आई टू डिजिट की, टू डिजिट का मतलब 10, बहुत इजी है, बहुत इजी, ध्यान समझना, जैसा मैं लिख रहा हूं वो ध्यान रखना। ये इकाई वंस, ये दहाई, मैंने दहाई को कैसे लिखा, 10y, इकाई को भी मैंने 1x लिखा है, लेकिन 1 की जरूरत नहीं लिखने की, चाहो तो लिख दो, वरना 1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू एक्स तो एक्स ही होता है। ये बन गई अपनी संख्या, अगर अपन को एक्स और वाई जब अपन लेके चलते हैं, तब समीकरण नहीं बना, ये बनी सिर्फ संख्या, नंबर बना। फिर जो उसने बात कही पहली, ये इसको यहीं पर लिख देते हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, दो अंक मतलब ये और ये। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट सिचुएशन। तो फर्स्ट कंडीशन जो प्रश्न में हमें दी हुई है, मतलब जो पहली शर्त जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो ये है कि दोनों का सम 9 है, एक्स और वाई दोनों का सम यानी कि योग यानी कि जोड़ 9 है, समीकरण 1 एक बात बन गई। अब जो अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो समीकरण 2 के लिए है, इक्वेशन सेकंड के लिए। ये जितनी भी आगे की बात लिखी हुई है वो इक्वेशन सेकंड तैयार करेगा, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगानी है। तो ये आगे वाला कह रहा है इस संख्या का, कौन सी संख्या का, इसका, ध्यान रखना इसका, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब संख्या को रिवर्स करना है, मतलब कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द नंबर, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। मतलब कि अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कौन सी संख्या को पलटना है, इनको। तो यहां लिखेंगे अपन संख्या के अंकों को पलटने पर, वहां से लिख सकते हो द नंबर ऑब्टेंड बाय
रिवर्सिंग, मतलब संख्या के जो अंकों को अपन पलटेंगे तो उससे फिर क्या हो जाएगा, जो वंस डिजिट है, वंस डिजिट जो था अपना, वंस डिजिट मतलब जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो तो हो जाएगा वाई जो कि एक्स है, और जो टेंस डिजिट है मतलब कि जो दहाई अंक हैं वो हो जाएगा एक्स। ये पलट दिया अपन ने, जो इकाई को अपन एक्स माना था उसको वाई मान लो, वाई को एक्स मान लो, उल्टा कर देना है। तो फिर इससे क्या नंबर बना, इन दोनों से नंबर का मतलब संख्या भाई, जैसे इससे ये बनी थी ना वैसे इससे क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी, कि इधर जो एक्स अपन ने लिखा था वो हो जाएगा वाई इकाई प्लस ये दहाई, ठीक है, यानी कि वंस और टेंस ये संख्या बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है, तो ध्यान रखना ये अपना रिवर्सिंग नंबर है, मतलब पलटने पर संख्या जो बनी वो ये है, ये दोनों। अब इसकी बात पर चलते हैं अपन, समझ में आएगी नहीं आई, उसने कहा संख्या को पलट दो, पलट दिया, ये बदल दिया, अब उसकी सेकंड कंडीशन काम आएगी, यानी कि जो उसने सेकंड कंडीशन अपन को दी है ना वो अब काम आ जाएगी, यानी कि सेकंड कंडीशन जो उसकी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त वो ये है कि इस संख्या का नौ गुना, इसका इसका नौ गुना, चलो टेन वाई प्लस एक्स का नौ गुना, ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दो गुना, जो संख्या पलटी ये रही दस एक्स प्लस वाई, ये पलटी थी, इसका दो गुना है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, ब्रैकेट लगा दिया, दो गुना है बस, इस संख्या का नौ गुना इस संख्या के दो गुना है, समझ में आ गई, बस ये अपन को क्या दे देगा, इक्वेशन सेकंड, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 90y और 9x, अंदर कर दो 20x और 2y, ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ वाई वाई एक तरफ, ये हो गया अपना 9x, 20 को अंदर ले लो, फिर ये अपना 90y अपनी जगह ही है, 2y को भी इधर ले आओ, तो माइनस क्या हो जाएगा, बराबर जीरो, कुछ नहीं करा है, 9x अपनी जगह ही है, 20x को अंदर ले आए तो साइन चेंज हो गया क्योंकि बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, 90y अपने इधर ही था, इधर ही है, 2y को जब इधर लाए तो माइनस का हो गया, बराबर कुछ नहीं रहा तो जीरो हो गया, ठीक है, अब 90x में से 20 चला गया तो माइनस का 11x बच गया, और यहाँ पर 88y बच गया प्लस का, क्योंकि 90y में से 2y चला गया तो 88y, ठीक है ना, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, दोनों में 11 11 कॉमन जा रहा है, तो अपन एक काम करते हैं 11 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और वो भी माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 11 कॉमन लेने से फ़ायदा हो जाएगा कि शुरुआत की वैल्यू हमेशा प्लस में हो जाए तो ज़्यादा इजी है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा सिस्टम सीखो आप, इन दोनों में अपन ने माइनस 11 कॉमन लिया, तो माइनस 11 का जब माइनस 11 में भाग देंगे भाई, जब कॉमन लेते हैं ना उसका मतलब बारी बारी डिवाइड, और कॉमन कब आता है, जब दोनों में हो वो वैल्यू हो, दोनों में 11 है इसलिए लिया वरना नहीं ले पाते, तो माइनस 11 का माइनस 11 में भाग दिया तो प्लस का 1 आया, प्लस का 1 को जब x, तो 1x लिख दो चाहे x लिख दो एक ही बात है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 11 8 जा 88 और y बराबर 0, इसका मतलब 11 जाएगा इधर, तो 11 हो गया ख़त्म, यानी कि वो भी हो गया 0 क्योंकि वो इसके बटे में चला गया, बटे में शो करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया अपना समीकरण सेकंड, ये था फर्स्ट ये था सेकंड, ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड बन गया, अब अपन को एलिमिनेशन मेथड लगा देना है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बहुत इजी है ना, बहुत इजी, वेरी गुड, यानी कि विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि के अंदर क्या करते हैं अपन, एक बार समीकरण को लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9 और सेकंड है x माइनस 8y बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, ये 8y है, ठीक है, अब जब आपने दोनों इक्वेशन को देखा, एलिमिनेशन में क्या होता है, किसी एक को खत्म करना पड़ता है, एक वैल्यू को भले एक्स की वैल्यू खत्म कर दो चाहे वाई की वैल्यू खत्म कर दो, अपने देखा यार एक्स तो ऑलरेडी दोनों बराबर है, बराबर है खत्म हो सकता है, हो सकता है, तो क्या इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ूं या घटाऊं, घटाऊं, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक्स सेम टू सेम साइन के रह गए, जब सेम टू सेम चिन्ह या साइन रहते हैं तो माइनस करते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए, तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट समीकरण दो में से समीकरण एक में से, फ्रॉम वन लिखा अपने, तो एक में से समीकरण दो को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 9, एक्स माइनस 8y बराबर 0। जैसे ही घटाया नीचे के साइन चेंज हो गए, जो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, बस यहाँ तो ये भी प्लस था तो माइनस लग गया, x x खत्म, प्लस का 8y प्लस का 1y प्लस का 9y और ये हो गया, यहाँ पर 0 माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 का 9, तो y की वैल्यू 9/9, तो y की वैल्यू 1 आ गई। इस वैल्यू को आप इक्वेशन कोई सी में रख दो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, एलिमिनेशन मेथड में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2 में रख दो, चलो एक ही बात है ठीक है, या फिर 1 में इजी पड़ता तो 1 में रख दो ठीक है, वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों इजी है। समीकरण सॉरी y का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, एक क्या है x प्लस वाई, वाई का मतलब 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी यार 9 माइनस 1 8। अब सुनो मेरी बात, y की वैल्यू तो आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 8, बस क्वेश्चन तैयार। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, अब अपन संख्या पूछी थी, उसने पूछा संख्या क्या आएगी, तो therefore बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, ध्यान समझना, therefore द नंबर अतः टू डिजिट नंबर therefore द टू डिजिट नंबर है ना, अतः दो अंकों की संख्या, देखो कितने शानदार घुमाए थे इस क्वेश्चन को, वो संख्या क्या बनेगी, वो संख्या निकाल रहे हैं अपन, दो अंकों की संख्या बनेगी, सबसे पहले इकाई को अपन ने क्या माना था x, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन x, दहाई को अपन ने क्या माना था वन मतलब y, इकाई दहाई ऐसे लिखना है, लिखने में गलती मत कर देना, उधर से लिखना इकाई दहाई वंस टेंस, तो 18 आंसर होगा। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि यहाँ तो सीधा सीधा पूछा वह संख्या ज्ञात करो, एग्जाम में यही क्वेश्चन देके ऐसा पूछ लेगा वह संख्या ज्ञात नहीं करो, वह बदली संख्या अंकों को पलटने वाली संख्या ज्ञात करो, मतलब स्थान पलट देना वो संख्या ज्ञात करो, रिवर्सिंग नंबर निकालो, तो रिवर्सिंग नंबर भी अगर पूछे और यानी कि अथवा अगर रिवर्सिंग पूछे तो यह रिवर्सिंग इसमें हो जाएगा, ये अभी तो अपने इसमें रख के निकाला है, कैसे रख के बता देता हूँ मैं आपको, आप चाहो तो, कि 10 की जगह 10, y की जगह अपन ने रख दिया 1, प्लस x की जगह अपन ने रख दिया, x से क्या वैल्यू आई थी 8, ये देख लो 10 प्लस 8 18, ये तो ऐसा है 18, आप इसको ऐसा करके भी आ सकते हो ठीक है, ज़्यादा ठीक रहेगा, ये काम करना आप ऐसा कर देना, सीधा 18 मत लिखना, यहाँ पर ये कर देना सॉल्यूशन ठीक है, ये लो ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो जाएगा कैसे 18 आया। अब अगर अंकों को पलटते हो, पलटने पर यह जो आई थी, तो यह रिवर्सिंग नंबर बोल रहा हूं मैं, अब रिवर्सिंग नंबर मतलब स्थान पलटने पर जो बनी संख्या वो ये बन जाएगी 10, x की जगह 8 प्लस y की जगह 1, यानी कि 80 प्लस 1 यानी कि 81, यानी कि वैसे तो मैं चाहता तो इसी का उल्टा बोल देता कि इकाई को इधर लिख दो इसको इधर लिख दो, लेकिन वो अपन बोलने की लैंग्वेज है कि 18 का उल्टा 81 होता है, मतलब 18 का उल्टा 81, एग्जाम में थोड़ी ऐसा करके आओगे कि आप पलट देना, टीचर कैसे कहोगे क्या, वहाँ तो करके दिखाना है, इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिए, ये एक्स्ट्रा है, आंसर तो अपना 18 है, लेकिन क्या पता वो रिवर्सिंग नंबर भी पूछ ले, स्थान पलटने के बाद भी पूछ ले, तो 81 है ना, शानदार क्वेश्चन। तो ये था इसका सेकंड का थर्ड पार्ट, जो अब आज के बाद आप इसमें गलती नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है, बस ध्यान ही रखना कि पूरा स्टेटमेंट जितना मैंने लिखे पूरी थ्योरी आपको ऐसे कैसे लिख के आना है ठीक है, ओके।